बरसों पहले आई फिल्म सत्या में अंडरवर्ल्ड की गैंगबाजी, दो गैंग्स के बीच में भयंकर जानी दुश्मनी को बहुत करीब से दिखाया गया था। फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्में हमारे ही समाज का आईना होती हैं। अंडरवर्ल्ड में गैंगबाजी और कत्ल आज भी हो रहे हैं, लेकिन अब गैंग्स को ऑपरेट करने के तरीके बदल गए हैं। जी हाँ, तरीके बहुत बदल गए हैं। सत्या फिल्म की ही तरह कपिल सांगवान और मंजीत महल गैंग में जानी दुश्मनी है, वो भी इतनी खतरनाक कि जो भी किसी एक साइड आता है उसका अमलनामा दूसरी गैंग की तरफ से तैयार होना शुरू हो जाता है और मौका मिलते ही उसे ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। दोनों गैंग्स एक दूसरे के लोगों को ऐसी मौत देती हैं कि बाकी लोग इबरत हासिल कर सके और डर दहशत कायम रहे। न सिर्फ डर कायम रहे बल्कि नेता और कारोबारी पैसे भी ढीले करें। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी के मर्डर की वजह अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। नफे सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान ने लंदन में बैठकर जो मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट की है उसमें नफे सिंह पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया गया है। उस सोशल मीडिया पोस्ट में कपिल सांगवान के हवाले से दावा किया गया है कि उसी ने नफे सिंह को मरवाया है। हालांकि अब पुलिस उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर शेयर की गई उस पोस्ट में कपिल सांगवान की तरफ से कहा गया है कि इनेलो हरियाणा अध्यक्ष नफे सिंह की गैंगस्टर मंजीत महल से गहरी दोस्ती थी। गैंगस्टर कपिल सांगवान की कथित पोस्ट के मुताबिक नफे सिंह मंजीत महल के भाई संजय के साथ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का काम करते थे। आगे लिखा गया है कि जो उसके दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। मगर इस तरह की कोई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम पर नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर ये पोस्ट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वायरल पोस्ट के बारे में फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से भागकर यूके में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के नाम से की गई इस पोस्ट में आगे कहा गया है कि उसके जीजा और उसके दोस्तों के मर्डर में नफे सिंह राठी ने महल गैंग को सपोर्ट किया था। सांगवान लिखता है कि जो उसके दुश्मनों को सपोर्ट करेगा वो उसके दुश्मनों को सपोर्ट करेगा और पूरी 50 गोलियां उसका इंतजार करेंगी। कपिल ने लिखा है कि अगर पुलिस उसके जीजा और उसके दोस्तों के मर्डर पर इतनी एक्टिव होती तो उसे ये करने की जरूरत नहीं होती। सीधे तौर पर देखें तो कपिल सांगवान कथित पोस्ट के जरिए अपने गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बहादुरगढ़ में 25 फरवरी 2024 को हुई नफे सिंह राठी की हत्या में ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करवा चुका है। अब कपिल सांगवान के नाम से की गई कथित सोशल मीडिया पोस्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है जिसमें उसकी तरफ से नफे सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू पैरोल पर जेल से बाहर आया था और इसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल वो इंग्लैंड में रहता है और वहीं से गैंग ऑपरेट कर रहा है। जैसे फिल्मों में दो गैंग्स में जानलेवा दुश्मनी और धाएं धाएं दिखाई जाती है, वैसे ही हकीकत में भी सांगवान और महाल गिरोह एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है और दोनों गिरोह के गैंगवार में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मंजीत महल भी दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है और फिलहाल जेल में है, लेकिन आरोप लगते हैं कि महल जेल से और कपिल ब्रिटेन से अपनी कारगुजारियां बाकायदा अंजाम दे रहे हैं। साल 2021 में दिल्ली के मटियाला इलाके में बीजेपी नेता सुरेंद्र की हत्या भी कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने अपने गैंग के जरिए कराई थी। उसके गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके गुर्गों में विपिन, अनिल, विक्की, अमित, प्रशांत, वासुदेव और कृष्ण कुमार शामिल थे। इनके जरिए ही वो अपने गैंग को यूके से ऑपरेट करता है।
कपिल उर्फ नंदू और उसके करीबी सहयोगियों के ठिकाने पर जब उस वक्त दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी तो छावला, झज्जर, सोनीपत समेत 23 ठिकानों से कई हथियार, 2.25 करोड़ रुपए, कैश और ड्रग्स समेत कई अवैध चीजें बरामद की गई थी। बड़ी बात यह है कि उस वक्त बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाल की हत्या के पीछे की वजह भी उनकी मंजीत महल से नजदीकी ही थी, जिसको लेकर कपिल चिढ़ गया था। नफे सिंह राठी की हत्या में कपिल सांगवान का हाथ है भी या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर कथित सोशल मीडिया पोस्ट कपिल सांगवान के हैं, तो वो इस मर्डर की जिम्मेदारी लेकर क्या साबित करना चाहता है और क्यों, ये बड़ा सवाल है।